नमस्कार, आप देख रहे हैं आज वॉइस न्यूज और मैं आपके साथ वंदना। ये नजर डालते हैं प्रमुख खबर पे। हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की खबर मधेपुरा से। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज में मारपीट एवं पिस्टल लहराने के विरोध में व्यवसायी ने अविलंब गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया बाजार बंद। जी हां, प्राप्त जानकारी के अनुसार व्यवसायी श्याम सुंदर सोनी ने बताया है कि हम लोग भगत धर्मशाला में होली मिलन को लेकर बैठे थे, इसी दरमियान कुछ लड़के आकर पिस्टल लहराते हुए गाली गलौज करने लगे और समझाने पर मारपीट भी करने लगे, जिसमें श्याम सोनी एवं आदर्श कुमार को सर एवं चेहरे पर चोटें भी आई हैं, जिसके बाद सभी व्यवसायी एवं आम जनों ने मिलकर थाने में आवेदन भी दिया और प्रशासन से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मामला दर्ज कर बंद किए हैं क्या? कल कुछ लड़के लोग जो है हमारे साथ मारपीट किए हैं, मेरे दुकान में शटर तोड़ने का प्रयास किए हैं और हथियार लहराए हैं। ठीक है, 4-5-10 की संख्या में लड़के लोग थे, जो कि भगत धर्मशाला में हम लोग ऐसे ही प्रोग्राम कर रखे थे। वो लोग अचानक घुसे और अवध भाषा में बात किया और मारपीट करना शुरू कर दिया। क्या कुछ मांगे हैं? हाँ जी मांगे, अभी उनको गिरफ्तार किया जाए और फिर हम प्रशासन को उनको गिरफ्तार करें तो हम लोग मार्केट खोल देंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्याम सुंदर सोनी है। भगत धर्मशाला में होली समारोह प्रोग्राम कर रहे थे, तो हम लोग अपना खाना पीना बना के खाने के प्रोग्राम में थे। अचानक एक कोई जानता हूँ मैं, मयंक यादव नाम है उसका, उसने दो बाइक से गेट तोड़ते अंदर घुसा। अंदर घुसने के बाद श्याम चा बोले गए काहे से कर रहे हो, तो श्याम चा पे हाथापाई गाली गलौज दिया, फिर हथियार लगाते हुए फिर हमने उसको जब बोला हमको थप्पड़ थप्पड़ दिया। फिर कल जब हम थाना FIR करा के लौट रहे थे तो हमको रास्ते में वो लोग मिलके मारपीट किया गया। FIR काहे करवाया? उसके चाचा जी का फोन आया गुजर का कि अगर तुम कुछ करते हो तुमको तुम्हारे भाई पे रेप केस और तुम लोग को गोली मरवा देंगे। हम गुजर ने फोन करके धमकी दिया है। क्या नाम हुआ? आदर्श कुमार सिंह। कुछ ऐसे उत्पात लड़के हैं जो कि बाजार में अभद्र तरीका से गाली गलौज हथियार लहराना घूम कर कहना कि गोली मार देंगे,
सबका मनोबल उनके गार्जियन बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। गार्जियन का काम है कि उनका मनोबल को छोटा करें, पर उनके गार्जियन आने के बाद उनका मनोबल और भी बढ़ जाता है। उन्होंने कहा अगर कोई भी कल कुछ करता है तो सबको गोली मार दिया जाएगा, और उनके गार्जियन का ये धमकी अगर तुम लोग कुछ करते हो, केस वेस करवाते हो, तुम पे हरिजन एक्ट और रेप केस लगवाएंगे हम। प्रशासन क्या कुछ बोलती है? यादव का कहना हुआ, प्रशासन क्या कुछ बोलती है? प्रशासन का कहना है शाम तक में अरेस्ट किया जाएगा, जब तक अरेस्ट नहीं होगा तब तक दुकान बंद रहेगा। क्या नाम हुआ? बिट्टू सिंह बाबा।